सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, जो कि इस तरीके से वर्क करेगा कि अगर कोई कार आती है, आपके 5 स्लॉट है पार्किंग के, तो वो ऑटोमेटिक आपको बताता रहेगा कि आपके कितने स्लॉट भरे हुए हैं और कितने स्लॉट एम्प्टी हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके सर्किट डायग्राम से। तो गाइस ये है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर हमने 2 IR सेंसर का यूज़ किया हुआ है। 1 IR सेंसर से ये पता चलेगा कि गाड़ी कितनी अंदर गई है और दूसरे से बाहर, कि मतलब अगर कोई गाड़ी बाहर आती है तो कितनी गाड़ी बाहर आई है। तो सिंपल ये कैलकुलेशन है इसमें IR सेंसर्स की। और सर्वो मोटर इसलिए लगाई है कि जैसे गेट से अंदर जाती है तो पहले IR सेंसर के सामने जाएगी कार, जिससे गेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद वो अंदर चली जाएगी तो उसकी एक काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये सर्वो मोटर लगाई है। यहाँ पे हमने एक LCD डिस्प्ले का यूज़ किया हुआ है, जो कि आपको बताएगी कि कितनी आपकी पार्किंग फुल है या कितनी एम्प्टी है। उसके बाद अब देखते हैं इसके कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने दोनों IR सेंसर को पैरेलली कनेक्ट करा है, जैसे मैंने आपको अपनी और वीडियोस में बताया कि ये सेंसर्स पैरेलली पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट करके आर्डिनो से कनेक्ट हो गए हैं। ये वाले IR सेंसर की पिन नंबर 9 में हमने कनेक्ट कराया आउट पिन, और इस वाले IR सेंसर की पिन नंबर 10 में कनेक्ट कराया हमने आउट पिन। तो कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का जो सिग्नल वायर है वो हमने पिन नंबर 7 में कनेक्ट करा है, और उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव है वो 5 वोल्ट में और ग्राउंड ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। सिंपली उसी तरीके से हमारे जो LCD डिस्प्ले है उसके लिए भी हमने सेम कनेक्शन करा है। पॉजिटिव हमारा 5 वोल्ट में है, नेगेटिव हमारा ग्राउंड में है, और जो हमारा SDA पिन है वो पिन नंबर A4 में कनेक्ट करनी है आपको। SDA A4 में कनेक्ट करनी है गाइस, और SCL A5 में कनेक्ट करनी है। सिंपल कनेक्शन है। बैटरी हमें यहाँ पे लगानी है 5 वोल्ट में और ग्राउंड में। आप अगर 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप VIN में कनेक्ट करिए, अगर आप 5 वोल्ट बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको 5 वोल्ट बैटरी को ही 5 वोल्ट वाले सेक्शन में कनेक्ट करना है, अगर 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो VIN सेक्शन में, वरना आप एडेप्टर का यूज़ भी कर सकते हैं इस एरिया से जैक के थ्रू, तो यहाँ से आप एडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ और कोड को ओपन करते हैं। तो गाइस ये है हमारा कोड जो ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम के लिए है। यहाँ पे हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरीज ये है, इंक्लूड वायर की लाइब्रेरी और लिक्विड क्रिस्टल I2C की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और एक सर्वो की। ये लाइब्रेरीज स्केच में जाके आप यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 IR सेंसर का यूज़ करा है पिन नंबर 10 और 9 में, जो हमने कनेक्ट करा है। 6 स्लॉट है, मतलब हम 6 पार्किंग सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे, कि सपोज़ आपके पास 6 स्लॉट्स हैं पार्किंग के, तो वो जैसे फुल होंगे और एम्प्टी होंगे ये आपको शो होता जाएगा। यहाँ पे हमने इनपुट के लिए, हमारे जो IR सेंसर है वो इनपुट सिग्नल लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया है। इस पार्किंग का नाम मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रो पार्किंग सिस्टम लिखा है। अगर आप कुछ और पार्किंग का नाम देना चाहते हैं तो यहां पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इसी एरिया में आपको चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये अगर पार्किंग फुल है तो यहां पे सॉरी लिखा आएगा और फुल स्पेस लिखा हुआ आएगा, और अगर खाली है तो ये नॉर्मली पार्किंग चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरा कोड है। तो सबसे पहले हमें टूल्स में आना है, कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमारा आर्डिनो उनो सिलेक्ट है, और अगर आपका कोई और बोर्ड सिलेक्ट है तो आपको आर्डिनो उनो सिलेक्ट कर लेना है, कॉम सिलेक्ट कर लेना है 17, और जो आपका कॉम शो होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हम कोड को कंपाइल कर लेंगे। तो गाइस अभी कोड वेरीफाई हो रहा है, जब तक कोड वेरीफाई हो रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इस टाइप की अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, कि क्या चीज़ है, कोड कैसे यूज़ करना है, क्या कोड में लिखा हुआ है, सर्किट डायग्राम किस तरीके से डिज़ाइन है, सर्किट डायग्राम में क्या कनेक्शंस हैं, ताकि आपको बाकी जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। अगर कुछ चेंजिंग रहती है तो वो भी हम आपको प्रॉपर बता देते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर आपको क्या चेंज करना है। तो गाइस कोड हमारा यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे कोड कंपाइल हो चुका है, अब सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है और कोड अपलोड हो जाएगा आपके आर्डिनो में, और आप अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।